प्रेरितों के कामों का वर्णन दसवां अध्याय। कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पल्टन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े के धंधा करने वाले के यहां पाहुन है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थीं चला गया, तो उसने दो सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे, तो दो पहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। तीन बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में दुविधा कर रहा था कि यह दर्शन जो मैंने देखा क्या है, तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कुर्नेलियुस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर देवड़ी पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही पाहुन है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख, तीन मनुष्य तेरी खोज में हैं, सो उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूं, तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुर्नेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह चेतावनी पाई है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। और दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कई उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुंचे और कुर्नेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठे करके उनकी बाट जो रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था, तो कुर्नेलियुस ने उससे भेंट की और पांव पड़ के प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं, और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहां जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं, इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है? कुर्नेलियुस ने कहा कि इस घड़ी पूरे चार दिन हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था कि देखो, एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुर्नेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं, इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुद्र के किनारे शमौन चमड़े के धंधा करने वाले के घर में पाहुन है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहां परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में
जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया, वह बात तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ करके सारे यहूदिया में फैल गई, कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काठ पर लटकाकर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है, सब लोगों को नहीं, वरन उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हमको, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पत्रस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पत्रस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पत्रस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन हमारे साथ रहे।